शादी खाना नहीं पहुंचने वाला दूल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों के दरमियान आखिरकार कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। दुल्हन के भाई और दूल्हे ने मिलकर मीडिया के सामने कॉम्प्रोमाइज़ की बात कही, ताहम शादी कैंसिल हो गई। गौरतलब है कि शहर में एक नया रुझान पैदा हो गया है। आए दिन घरेलू मामलात को लोग मीडिया में जाहिर कर रहे हैं, जिससे मुआशरे में आए बिगाड़ का पता चल रहा है। कोई अपनी बीवी सास की पोल खोल रहा है तो कोई अपने शौहर और ससुराल की शिकायत कर रही है। कोई ख़ानदानी विरासत की तकसीम के झगड़े बयान कर रहा है। जो मामलात घर की चार दीवारी में घर के बड़े अफराद या मोहल्ले के उलमा की निगरानी में हल होने थे, आज उन्हें लोग बास सोशल मीडिया के रिपोर्टर्स को तलब करते हुए ज़माने के सामने खुद के ख़ानदान की बेइज्जती करवा रहे हैं। मसाइल हल होने के बजाय अच्छे भले रिश्ते टूट रहे हैं। जहां ऐब छिपाने का हुक्म है, वहीं लोग आज इस्लामी तालीमात के बरक्स काम कर रहे हैं, और ये हम सब के लिए लम्हे फ़िक्र है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। दरमियानी अफराद की बातों पर यकीन करते हुए हो रहे रिश्ते को होने से रोक दिया गया। सोशल मीडिया के ज़रिए बात ज़माने के सामने लाई गई, ताहम ये अच्छी बात है कि आखिर में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। जो भी हुआ उसमें क्या है मालूम, दहेज के बारे में जो बात उठी, इसमें थर्ड पार्टियाँ क्या करें, उसमें बातें उठाएं, अफवाह उठाएं, इसमें क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस और कुछ भी नहीं है। तो आप जहेज के ऊपर अपना अल्फाज 10 बार मीडिया के सामने बयान कर रहे थे कि दूल्हा डिमांड करने के वजह से मैं दूल्हा शादी बायकॉट करा, तो ये कितना सच है? तुम बोले तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका वसीश है, सही है। पुलिस स्टेशन के जिम्मेदार ऑफिसर्स भी थे, उनके सामने भी आपका एक बयान बयान था, तो ये कितना सच्चा है? इसमें क्या है मालूम भाई, इसमें थर्ड पार्टी के भी तकरीबन गलतियां हैं। थर्ड पार्टी आके क्या है मालूम, बोल बताए कि तो थर्ड पार्टी बोल रहे, तो थर्ड पार्टी के वजह से ये शादी कैंसिल हुई। लोगों के भटकावे में आके इसमें रिश्ते टूटे सो हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप वो दिन दूल्हे या दूल्हे के घर वालों से बात नहीं कर रहे थे? दूल्हे के घर वाले बात कर रहे थे, फिर बात करे थे, बात करने के बाद जो बीच में बैठे थे वो लोग बात करे थे कि हमारे घर में बड़े नहीं हैं, वो लोग बात करे थे। हमारे घर में बड़े होते तो ये नौबत नहीं आती थी, हमारे घर में बड़े नहीं हैं, उसमें बड़े भी है तो थोड़ा दिमागी हालत से थोड़ा कमजोर है। थर्ड पार्टी की तरफ से हुआ की डिमांड कुछ भी नहीं थी? नहीं भाई, थर्ड पार्टी की तरफ से क्या है, गलत फहमी हो गई बस, और कुछ भी। आप अपने स्टेटमेंट में इतने 10 बार बोले, 10 बार बोले, 10 बार हम आपको थर्ड पार्टी की तरफ से टेंशन में आ गए थे हम, बस और कुछ भी नहीं। तो आवाम को क्या कहना चाहते हैं? आवाम को ये बोलना है मेरे को, लोगों के भटकावे में आके अपने को ज़िंदगी ख़राब करना नहीं है, पहले ख़ुद फैसला करना, सामने बैठ के आँख से देख के कानून से सुन के फैसला करना, बस यही है मेरा बोलने का। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे दिल में दुश्मनी उश्मनी वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी क्या है मालूम, हम लोग कंप्रोमाइज कर रहे हैं, हमारे को दिला साफ करना है बस, और कुछ भी नहीं है। जो भी हुआ वापस करेंगे? नहीं नहीं, रिश्ता नहीं साहब, रिश्ता नहीं कर सकते हम, माफ़ी चाहते, रिश्ते की हद तक तो हम बात भी नहीं कर सकते, बरल हम कंप्रोमाइज करना चाह रहे हैं, अब आगे कुछ भी नहीं बोल सकता मैं, बस दिला साफ करना है हमको, ऐसा कुछ भी नहीं।